यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाया है पत्थर को काट काट के। सोना देख लीजिए, यहाँ पे 5 प्रीशियस स्टोन्स रखा है। ये डायमंड चमक मार रही है भाई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है मेरा एक नए वीडियो पर। तो आज मैं हूँ म्यूजियम में, हफे के एक अनुई प्रोविंशियल म्यूजियम, जहाँ पे 2 म्यूजियम है। ये पीछे मेरा इवोल्यूशन वाला म्यूजियम है और सामने कल्चर वाला म्यूजियम है। ये वाला बिल्डिंग ये देख सकते हैं, रोजल्स बनाया इस कीड़े की। कुछ और इंसेक्ट्स की फॉसिल्स, इधर दिखाया है एक्वाटिक क्रिएचर्स का दिखाया है इवोल्यूशन के टाइम के। यहाँ पे भी कुछ कोरल्स के फॉसिल्स दिखाया है। समंदर के अंदर क्या उड़ रही है यहाँ पे मॉडल के हिसाब। ये पेड़ों की इवोल्यूशन दिखाया है यहाँ पे, जंगल डायनासोर्स यहाँ पे। डेजर्ट की दिखाया है समंदर के किनारे वाले पानी से आकर कैसे कैसे दोनों एरिया में रह सकते हैं, वैसे जानवर फॉर्मेशन हुआ, जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी। यहाँ पे और कुछ एनिमल्स की फॉसिल्स है, यहाँ पे भी है उनके वर्टीब्राज दिख रहे हैं। कुछ और है डायनासोर्स के आने से पहले, ऐसे ऐसे कुछ मिला है जिनसे पता चलता है कि ये भी एग्जिस्ट। तो ये कुछ एक्वाटिक जानवरों की है इधर, इतनी बड़ी फिश की फॉसिल। रिकवर्ड सीन ऑफ खाओ वर्सेस फौना इन अनहुई। तो अनहुई में जो जो मिला है उसको दिखाया है, जो जो स्पेसिस ऐसे कुछ मिलते थे। एक्वाटिक में उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, डायनासोर डोमिनेटेड ऑन द मेसोजोइक लैंड। तो ये कुछ टाइप्स के डायनासोर्स हुआ करते थे जिनके फॉसिल से पता चलता है उनका स्ट्रक्चर्स। तो ये उड़ने वाले ऐसे ऐसे कुछ मिले हैं। टेरासोरोस तो ये फॉसिल्स मिला है, मछलियों की फॉसिल्स मिला है जो उड़ सकते थे और धीरे धीरे उड़ने वाली पक्षियों की भी और एनिमल्स की भी। और ये कछुए की लग रहा है। कुछ और डायनासोर्स की बना रखा है, बड़े से छोटे तक। ऐसे यहाँ पे तितलियों की भी फॉसिल्स है कुछ मिला है, जो ये कुछ देख सकते हैं यहाँ पे भी मॉथ्स और तितलियाँ जो है बटरफ्लाइज, छोटी छोटी कीड़ों की। उनके फॉसिल्स दिख रहा है पूरा क्लियरली। तो ये टेरासोरोस के एम्ब्रियोज यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ है तो फिर ये यहाँ पे चाउल दिख रहा है और यहीं पे कुछ हफे ही होगा। डिस्टिंक्शन ऑफ मिनरल्स
पत्थर दिखाया है यहाँ पे, और ये पूरा सेक्शन पत्थरों की ही है, मतलब जो स्पेशल पत्थर्स निकलती है हमारी अर्थ क्रस्ट से, ये सोना है, सोना देख लीजिए भाई, और ये कुछ और पत्थर हैं, क्या हल्दी है, रियल गर्ल, वाह ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सोना देख लीजिए, यहाँ पे 5 पीस रखा है डायमंड, चमक मार रही है भाई, दूसरे जेवरे, यहाँ पे कुछ और स्पेशल ऑप्टिकल इफेक्ट्स पत्थर है, काफी लाजवाब दिख रहे हैं। टोपाज मैडम, ये है देखिए महंगी महंगी चीज, महंगी महंगी चीज, सच में डायमंड है क्या, हाइस डाले, इधर और कुछ पत्थरें रखा हुआ है, स्टिबनाइट काट के बड़ा अच्छा बनाया है, क्या खतरनाक बनाया है, अंदर पूरा छोटे छोटे पूरा निकला हुआ है, ये भी देखिए, काफी बड़ा पत्थर है, और इधर कुछ रखा हुआ है, इधर भी क्रिस्टल्स रखा हुआ है, इधर और कुछ पत्थर हैं बस, और यहाँ से चलते हैं, ये काफी अच्छा बनाया है, नीचे फाउंटेन भी बनाया है, और ये डुप्लीकेट पेड़ हैं, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए जूसेस और कॉफीज बना हुआ, तो ये डिफरेंट काइंड पत्थर्स देख सकते हैं, स्पेशल पत्थर्स, क्रिस्टल्स, सिंथेटिक क्रिस्टल मटेरियल, वैरायटी दिया है सब, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो पिंक कलर की, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाया है पत्थर को काट काट के, स्पेशल पत्थर्स, चाइनीज़ काफ़ी रखते हैं ऐसे स्पेशल पत्थर को घर पे डेकोरेशन के लिए, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और ये लाफिंग बुद्धा पत्थर से, ये देखिए कितना ओबीडियंट होते हैं, दूसरे पत्थर से यहाँ पे ऐसे कुछ है, पत्थर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एजेट लाल पत्थर, हेमाटाइट, स्पाइनल, रोज क्वार्टर्स, ये पूरा अनुई का नक्शा दिखाया है 3D, ये पुराने ज़माने के माइक्रोस्कोप यहाँ पे रखे हुए हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए हेल्प मतलब यूज होता था, यहाँ पे रखा हुआ है, और ये यहाँ पे सैटेलाइट व्यू दिखाया है, आसुशान डिस्ट्रिक्ट है और हमारा यूनिवर्सिटी यहाँ पर, ये देखिए 1979 का हफ है, और ये अनवी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये हमारा ग्राउंड है, ये लेक है, यहाँ पे हमारा अभी फिलहाल
बिल्डिंग तो अभी है नहीं, और ये 1994 का है। ये भी हमारा यूनिवर्सिटी है ये वाला एरिया, और कुछ नहीं था, एक भी बिल्डिंग नहीं है, छोटे छोटे सब है। ये हमारा लेक है जो मेरे रूम से दिखता है, यहाँ पे बिल्डिंग हमारा फिलहाल है जो नहीं था वो। ये 2020 में देखिए कैसा डेवलपमेंट हुआ है, शहर देखिए पूरा भरा हुआ है बिल्डिंग में। बाहो डिस्ट्रिक्ट, हाँ बाहो ब्यूरो एयरपोर्ट भी है, ये हुआ है जो एम्बेसी यहाँ पर भेजा रखा है एम्बेसी। ये अब फिलहाल का यूनिवर्सिटी यहाँ पर, कितना डेवलपमेंट कर लिया 20-30 साल में देखिए आप, या 40 साल में आप बता लीजिए। मतलब तब कुछ भी नहीं था बिल्डिंग, और फिलहाल इतना डेवलपमेंट कर चुका है चाइना, वो भी एक छोटा सा कैपिटल में। और ये भी एक मशीन है एवियोग्राफ, और ये वही अनुई का 3D जियोग्राफिकल एरिया। आगे चल, ये दिखाया है पहाड़ों को काट काट के कैसे कंस्ट्रक्शन बनाया है इंसान। हेलो, लैंडस्लाइड भी दिखाया है, डिजास्टर्स कैसे होते हैं ज़्यादा मैनमेड स्ट्रक्चर्स बनाने से, वो भी दिखाया है। तो यहाँ पे फ्लोर में दिखाया है डिफरेंट सालों का, सदियों का, तो कैसा कैसा मतलब इवोल्यूशन हुआ 298 बिलियन ईयर्स एगो। फिर डायनासोर्स आए डिफरेंट टाइम के, क्रेटासियस एरा, फिर पैलियोजीन एरा, फिर हाथियाँ आए, पैंडा, टर्शियरी, रेप्टाइल्स आए, फिर शेर वगैरह बंदर आए, फिर इंसान की इवोल्यूशन हुआ। तो ये सब दिखाया है। और यहाँ पे एक 4D हॉल है, उसका टिकट लगता है शायद, जो लिखा था उसमें, और वो शायद 2-2:30 बजे शुरू होता है, तो वहाँ हम नहीं जाना है हमें, और दूसरे तरफ। यहाँ पे दुकानें भी बना रखा है, मतलब आप खरीद सकते हैं यहाँ पे पत्थर वगैरह ऐसे ऐसे कुछ। और प्राइस देख रहे हैं 1999 yuan, 9800 yuan भाई, बहुत महंगे, बहुत महंगे। 12 में मल्टीप्लाई कर लेना, जितना हो रहा है उतना है वो। और ये कुछ पांडाज रखे हुए हैं यहाँ पे, 269 yuan, क्यूट हैं, खरगोश भी है इधर और दूसरे जानवर्स भी। तो फिलहाल आ गया मैं बाहर, तो मुझे फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर, और इस वीडियो में करता हूँ यहीं पे एंड। ख्याल रखिए, आसपास में सफाई रखिए, और ट्रिप करते रहिए। तो तब तक बाय। ये मास डिज़ाइन दूसरे वेसल्स हैं यहाँ पे, बीट जंजीरे, और ये कुछ चाकू हैं यहाँ पे, खंजर। शकल दिखाओ, अपनी शकल दिखाओ यहाँ।